क्या है? कौन गया जल्दी बड़ी 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 जल्दी? हमारी भूख में पेट्रोल है क्या? देखा भाई, इसे कहते हैं निंजा टेक्निक। अब इसको भगा लो जितना भाग पाए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज का वीडियो होने वाला है जीटी का माइलेज टेस्ट। तो चलिए, और होगा वो भी टैंक फुल पे, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं लॉन्ग रूट पे, तो सोचा फुल कर दो। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, जीटी का टैंक फुल पे एक बेहतरीन माइलेज टेस्ट हो जाए। देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा इसका, कितना माइलेज देगी हमारी गाड़ी। 12.5 लीटर का इसका टैंक फ्यूल है वैसे, और हाँ भैया, इसको पूरा टंकी तक चढ़ा दो, एकदम छोड़ा ना मत। और हमारे साथ भाई भी हैं हमारे, ये रहे, ये खड़े अपने आमिर भाई। तो एक ये भी रहेगा कि पिलियन भी है साथ में, उसके बाद देखेंगे। और ये रहा, थोड़ा सा था पहले, और बाकी भाई तो भर रहे मनी 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 बस 850 का आया। चलो ठीक है, खुला चालू है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। अभी आपके वैसे गाड़ी इतना है, अभी मैं ट्रिप इसका चेंज करता हूँ सर। शुरू करते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। अपना बेहतरीन लंबा सफ़र है 250 किलोमीटर का। हम लोग निकल रहे हैं गाँव, एक्चुअली में वहाँ पे है अपनी दावत। आज मेरे घर पे ही है दावत। तो ये भाई, मैंने सोचा बहुत बढ़िया मौका रहेगा यार, क्यों ना इसका माइलेज निकाल लिया जाए, क्या निकल के आ रहा है। किलोमीटर डन, टैंक फुल था 12.5 लीटर का, और बाकी निकल रहे हैं गांव। देखते हैं क्या इसका माइलेज होने वाला है भाई, बेहतरीन एकदम। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, भगा भगा के आपको शॉर्ट दिखाएंगे। मेन ये है कि अपने को आपको बस एवरेज दिखाना है इसका, और बाकी कुछ नहीं। और अभी अपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले एक स्टॉप लेंगे, वहाँ चाय पियेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सिटी में भी सोच रहा हूँ भगा लें 100 के करीब इसको खींचे। बाकी एक्सप्रेसवे पे भी भगाएंगे और आराम से भी चलाएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जितना बढ़िया हो सके उतना एवरेज निकल जाए, आराम आराम से चला के। आवाज़ इतनी लाउड है ना यार, सही बता रहा हूँ, जो पीछे बैठा है उसका सर दर्द होने लगता है। जब मेरा ही हो रहा है तो जो पीछे बैठा है उसका कितना सर दर्द हो रहा होगा। और ये भी है कि भाई एग्जॉस्ट लगे हैं, उस पर भी जो माइलेज निकल के आएगा
तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि भाई चलाना तो इंसान मोस्टली इतनी महंगी बाइक लेता है तो एग्जॉस्ट तो लगाता ही लगाता है। तो आप लोग गाड़ी ख़रीदना होगा जब आप लोग तो उसको देख सकते हैं अपना, और बाकी देखते हैं। स्टॉक में मेरे ख्याल से एवरेज थोड़ा बेटर आएगा, और इसमें क्या है कि साइलेंसर लगा है अलग से, साउंड है, तो पेट्रोल तो ज़्यादा पिएगी ही, पहले के मुकाबले तो ज़्यादा ही पेट्रोल पिएगी। बाकी चलो देखते हैं। अब यहाँ अब हम लोग आगे एक स्टॉप लेंगे, थोड़ा चाय पियेंगे, उसके बाद सीधे आपसे मिलते हैं हम एक्सप्रेसवे पे। आ गए हम लोग एक्सप्रेसवे, और वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कोहरा ही कोहरा, आगे ही बस थोड़ी दूर पे टोल मिलेगा, हम लोग टोल कटाएंगे और उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट एकदम सीधा एकदम शाहगंज के लिए, जहाँ से मोड़ आएगी वहाँ पे मुड़ जाएंगे, शाहगंज से सीधे चलते चले जाएंगे, और बस एकदम सीधा रास्ता है भाई। यहाँ कोहरा पड़ रहा है तगड़ा एकदम, सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा है दूर। यहाँ पे भी मैंने वीडियो एक ही बार बनाई है अपनी हंटर वगैरह की, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े होगी, आप लोग देख सकते हैं पुरानी वीडियो भाई, आप लोग देखिए यार, वीडियो देखिए भाई, चैनल को सपोर्ट करिए, 1K टच होने वाला है। मैं भी ये वीडियो डाले शायद तब तक टच हो जाए, नहीं अगर नहीं टच होगा तो भाई आप लोग हेल्प कर दीजिएगा 1K टच कराने में, 100 पे चल रहे हम लोग। और बाकी अब ये दिखाता हूँ 5 किलोमीटर चलने वाले हम लोग, और बाकी अब बीच में मिलेंगे, टोल कटा लेते हैं, उसके बाद अब मैं आपसे मुलाकात करूँगा 100 किलोमीटर के, जब 100 किलोमीटर बाइक चलने वाली होगी तब आपसे मिलेंगे। हाँ तो भाई पहला स्टॉप यार एक्सप्रेसवे से 50-55 किलोमीटर आगे आगे तो पहले बढ़ गया था, हम लोगों ने कहा लो यहीं रुक लेते हैं, बाकी चलिए यहाँ से निकलते हैं। बैठो रिएक्शन तो देख ही सकते हैं आप लोग, काटा बचा है 87 किलोमीटर पे, 87 किलोमीटर चल चुकी है, और ये देखिए 3 पॉइंट बचा। अब थोड़ा आराम आराम से गाड़ी चलाएंगे, भगा भी लिए हैं ठीक ठाक, रास्ते में 100 किलोमीटर पे भगाया था, एक बार थोड़ा बहुत और चलो भगा देते हैं थोड़ी दूर तक, फिर उसके बाद मतलब कॉन्स्टेंट गाड़ी मेरी 120 पे चली है। एकदम ही नहीं हुई है 100 देख लिए, एकदम पता ही नहीं चल रहा कि 100 पे गाड़ी चल रही है, यहाँ पे 80 पे चलाएंगे बहुत स्लो हो जाएगा, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने में भी लेट हो जाएंगे, तो 80 पे ही गाड़ी चलाएंगे यहाँ से। बाकी अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से, अपडेट देते रहेंगे धीरे धीरे। हाँ तो भाई गाड़ी चल चुकी है कुछ 135 किलोमीटर, और यहाँ पे मिला था अपने को फ्यूल पंप, तो हमने कहा लाओ 1 लीटर इसमें डलवा दे, क्योंकि यार बॉटल में तो मिल नहीं पा रहा है 1 लीटर इसमें मैंने डलवाया, अब इसमें से निकालेंगे। हमारे आमिर भाई चालू हो जाइए, चालू तो हो रहा है, तमाम मुंह में गया पेट्रोल। अरे पी लेना यार तुम, क्या कोल्ड ड्रिंक तो बहुत पीते हो तुम, समझ लेना फ्रूट बियर समझ के पी लेना यार, ये लो
थोड़ा तुम उनको पिला दे हैं भाई हमारे इसको फ्रूट बियर समझ के कहो पी जाए। वैसे यार पेट्रोल की स्मेल और जब बारिश होती है उसकी स्मेल, तो इधर डालो यार। क्या हम जब खींचेंगे तभी? अच्छा हाँ वाह क्या सीन है। स्टंट आमिर भाई स्टंट करते हुए हमारे, देखना इसमें दिख रहा है। आया 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 भाई आगे स्वाद नीचे करो खींचो 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 बहुत आराम से खींचना। आ गई थी नशा है नशा। आया नहीं आया? नहीं आया नहीं आया। खींचो पाइप थोड़ा और अंदर तक की उसको घसीड़ो। हीट बहुत तेज आई थी यार पेट्रोल की। हाँ तो आएगी आएगी जोर से। तुम नहीं खींच पा रहे हो क्या? लग रहा पेट्रोल अंदर ही चला गया। आप की आज नहीं हो भाई? कोशिश कर रहे हैं। हाँ कोशिश। मोटी है ना ये? हाँ इस वजह से बात ये है, वो पतली आली पतली आली आती है उससे तुरंत उतना ज्यादा वो नहीं आएगा। आया तो था यार पेट्रोल। हाँ आया था लेकिन जल्दी करो ना उड़ जाएगा उसमें से पेट्रोल। नहीं हो पाएगा। रुको ऐसे पकड़ो इधर आओ मैं खींचता हूँ भाई लोग रुको देखता हूँ। हेलमेट निकालो हेलमेट निकालो अरे 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 ऐसे निकालोगे अबे मुंडी उखाड़ दोगे क्या मेरी? आप समझ पाया? अब भयंकर वो आ रही है भाई इससे तो नहीं खींच पाएंगे यार इससे नहीं खींच पाएंगे। करो तेज खींचो। नहीं इससे नहीं खींच पाएंगे। वही कह रहे ना अंदर आया ना एकदम अचानक से बहुत लगा इससे नहीं खींच पाएंगे भाई। तो नीचे करो भाई। हाँ जी बदला है उल्टी अलग हो जाएगी रह रहे तो। अरे यार आदमी गर्दन गर्दन चली जाएगी। हाँ तो भैया हमसे तो नहीं निकल पाया भाई निकालेंगे। अबे दे 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 अबे क्या कर रहे हो आमिर? ओ भाई गजब पी भी गए क्या भाई? नहीं भाई ना काम बाबा तुरंत तुरंत निकाल दिएगा उधर से भाई जैसे ये भरत ने कहा बस 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 ओ कोई दिक्कत नहीं पाइप तो थोड़ी है। रुके इसमें है इसमें है अच्छा खासा तेल वापस डालो ना इसमें। सर का मुंह फिराने लगा खींचते खींचते। अरे वो ही कितनी तेज आ रही थी ना जलिए इतनी तेज। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। भाई आप वाकई में टैलेंटेड है यूट्यूब पे आएंगे आप हमारे। अरे इसको बंद करो यार क्या डर था कि कहीं मुंह में ना चला जाओ। ये तो पी ही गए तो पी गए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया भाई टैलेंट है भाई वाकई में टैलेंट है यार। बहुत बढ़िया था यार मजा आ गई वाकई में। बैग उठा लो भैया आया है। हाँ वीडियो बनी रही है वीडियो पड़ेगी पेज फॉलो करिए तब तो आपको पता चलेगा कि वीडियो में आएगी कि नहीं आए। यूट्यूब लाइए खोलिए वीडियो डलेगी आपको दिख जाएगा। और क्या वीडियो ये चैनल खोलिए फोन रखे लाइए हाँ इनको इनको आपके पे ये वीडियो आ जाएगी। अभी तो नहीं लेकिन थोड़े दिन बाद डालेंगे हफ्ते भर बाद। पठान व्लॉग्स ये डालना है सर्च करेंगे सबसे पहले पे आ जाएगा मेरा ये आ गया पहले पे सबसे ठीक है बिल्कुल। और ये हो गया बस अब इस पर वीडियो आएगी ये वाली माइलेज वाली आएगी तब आपको शो करेगा ठीक है ओके चलो आ जाओ चलो चलो। अब यार एक किलो वजन बढ़ गया। बीस तीस रुपए का पेट्रोल तो ऐसे ही गिर जाओगे नीचे 30-30 रुपए का।
अरे काम हो गया यार, 50 जाता। चलो भैया निकलते हैं यहाँ से, जो थोड़ा सा पेट्रोल ख़त्म हुआ है उसको आगे चल के हम मैनेज करेंगे। 1 लीटर तो अपने पास है ही है, मैं डालेंगे फिर। भाई 160 पे ये आपका काटा ब्लिंक करने लगा है। थोड़ा सा फ्यूल यार वहाँ पे गिर गया था निकालने के चक्कर में, तो मतलब ये समझ लीजिए 165 या 170 तक मान के चलिए आपका ये पॉइंट ब्लिंक करने लगे। इसमें मैंने गाड़ी आराम से भी चलाई है और 100 पे चलाई है, 120 पे भी चलाई है और 140 पे भी चलाई है कुछ जगहों पर। मैंने बहुत दूर तक नहीं, कुछ कुछ जगह पर 140 चलाई है मैंने, और बाकी नॉर्मल स्पीड पे चलाते आ रहा हूँ 100 किलोमीटर 100 पे और 120 पे, क्योंकि इतनी पता नहीं चल रही है गाड़ी। और बाकी चलिए चलाते हैं, देखते हैं अब कब ये पेट्रोल ख़त्म होने वाला होगा। जैसे ही बस ये ख़त्म होने वाला होगा तुरंत में उस जगह पे आप जब मिलते हैं इधर, ठीक है भाई। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो, इस वजह से आप लोगों को बस खाली किलोमीटर और डिस्टेंस 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आपको मैं ये बताता रहूँगा। हाँ तो भैया 206 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी और अभी भी अपनी चल रही है। क्या गांव कितनी दूर है? अरे अभी बोर्ड तो दिखे शाहगंज का। अरे लखनऊ से तब भी कुछ आइडिया तो होगा। हाँ वहाँ 240 41 गांव पूरा ना। हाँ तो 20-30 किलोमीटर पहले तो कट भी तो है। हाँ बस आने वाला, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ मुझे मालूम है तुम बाहर हो। मुझे पता है तुम भाई पीछे बैठे उनका कान एकदम सुन हो गया है। भाई वीडियो चल रही है, कैसे बना सुना बोल लो। वीडियो चल रही तो क्या, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा। बस दो किलोमीटर पे टर्न आ गया है भाई। गाड़ी हम लोग चला चुके हैं टोटल 207 किलोमीटर ना, और पीछे जो मेरे भाई बैठे हैं मोटो टॉर्क ने उनके कानों का खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय, गया टाटा गुड बाय, कान गए इनके भाई। ऐसी आवाज है कान, क्या कान के साथ साथ इंसान के बहुत कुछ फट जाए। और बाकी अभी तो अपनी गाड़ी बढ़िया एकदम चली रही है अभी एवरेज, मतलब तो भाई अभी से कैलकुलेट कर लो 12.5 लीटर फ्यूल इसमें आया था और 208 किलोमीटर चल चुकी है। हाँ हाँ दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। हाँ हाँ मुझे मालूम है। और ये टर्न हमें मुड़ना है 25 किलोमीटर यहाँ से शाहगंज है, शाहगंज से एकदम सीधे जाना है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाना है अपना गांव आ जाए। तो आ गया है टोल, कटाते हैं टोल की पर्ची। अब जब ये टंकी, जब ये गाड़ी रुक जाएगी तब वहां से वीडियो स्टार्ट करेंगे भाई। हाँ तो गाइस अरे गाड़ी बंद हो गई, चलेगी चलेगी चलेगी, धक्का लगाओ तुम, हम बैठ जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं चलेगी, इसमें फूको तेरी। अब एयर ले ली होगी, एयर ले ली ना, बहुत चल गई है तो फूंक के चलाओगे तुम। अब चलेगी चलेगी बिल्कुल चलेगी मुन्ना मेरे लाल, इसमें फूंक मारो। हाँ फिर नाक में भी आ जाए, अभी तो मुहिम क्या है। हाँ और क्या, थोड़ी फूंक इसमें मारो। क्या बात है क्या बात है, क्या फूका है क्या फूका है। बाइट 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 उड़ा दूंगा। नहीं होगी स्टार्ट। अरे बाइट ऐसे कैसे नहीं होगी, जगह है। जगह है, जल्दी बैठ 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 जल्दी बैठ जल्दी
पेट्रोल है क्या? देखा भाई, इसे कहते हैं निंजा टेक्निक। अब इसको भगा लो जितना भाग पाए। तो तुझे अपनी बंद हुई तो फिर रे 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 रे। अरे मोरी मैया सांप बना दे सांप बना दिया। अरे स्टार्ट हो यार। ओ भाई साहब, अरे 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 बंद हो गई। और ये समझ लो 225, हाँ 225 किलोमीटर मेरी बाइक चली है। साढ़े बता रही है एवरेज, जोड़ो एवरेज। अरे वही बताना है, एवरेज बताना है। अच्छा इसी के लिए तो हम लोग वीडियो बना रहे थे, पूरे रास्ते इतनी मेहनत। अब पता चला मुझे क्या, कैमरा चल रहा है। एक एक बार होता है कि कैमरा नहीं चल रहा होता है। तो भाई 225 किलोमीटर गाड़ी चल गई मेरा, एकदम क्लियर 18 का एवरेज। तो भाई मान नहीं, इसमें तुम एक काम करो ना, वहाँ पे पेट्रोल गिर गया था ठीक ठाक, मतलब अरे मतलब 10 किलोमीटर चलती, 10 किलोमीटर अराउंड वो चल जाती, अरे उतने पे चल जाती 10 किलोमीटर यार। इतना था पेट्रोल, अच्छा खासा गिर गया है पेट्रोल। 10 कम कर लो तब भी तुम्हारा वही रहेगा, 17.5 का तब भी है। नहीं बढ़ाना है, कम नहीं होगा, बढ़ेगा ना एवरेज बढ़ेगा। तो मतलब 18.5, 19। तो भाई मोटो टॉर्क भी लगा हुआ है, पिलियन भी था साथ में अपने। तो 225 किलोमीटर, अरे अराउंड 235 किलोमीटर गाड़ी चली है मेरे हिसाब से। तो भाई 19.5-20 का एवरेज निकल के आया है जिस हिसाब से मैंने गाड़ियाँ सब चलाई है। तो हाँ ये मोटो टॉर्क ना होता तो मुझे लग रहा है एवरेज इसका बहुत अच्छा निकल के आता, कुछ नहीं तो हाँ और 100+ मैक्सिमम। कुछ जगह मैंने 140 पे ही कांस्टेंट चलाई है 20-30, क्योंकि हम लोग को लेट हो रहा था। तो भाई ये था एवरेज आपके सामने, ये था रिजल्ट आपके सामने 19.5। और वीडियो कैसी लगी है भाई, बहुत दूर से निकले तो हमने सोचा कि आज आप लोग के लिए वीडियो बना ही दी जाए, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा कि सब 1 लीटर पेट्रोल और इसी पे ही माइलेज टेस्ट निकालते। तो आज हमें मौका मिला तो मैंने भैया पूरे पे ही फुल टैंक करके एवरेज निकाल दिया। तो भाई जो लोग चैनल पे नए हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बड़ा सा थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट जो देना है, मिंट टॉस सब कुछ दे दिए। माजा पसंद है तो भाई माजा भी दे दिएगा। आपके लिए धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे भाई, प्यार करिए, सपोर्ट करिए, 1K जल्दी कर दीजिए मेरे भाई। और इसीलिए हम लोगों ने ये ले लिया था, अभी इसमें भरेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। भाई गाड़ी हमेशा आराम से चलाइए, सेफ चलाइए, हेलमेट पहन के चलाइए, राइडिंग गियर पहन के चलाइए। ओके बाय बाय। पीछे वाले को भी हेलमेट लगवाइए। और पीछे वाले को भी हेलमेट लगवाइए।